लंदन के मशहूर एशियन कल्चरल सेंटर एशिया हाउस में रंगूनवाला फाउंडेशन और वीएम आर्ट्स की तरफ से मशहूर पाकिस्तानी आर्ट्स कलेक्टर वहाब जाफर की पेंटिंग्स को नुमाइश के लिए पेश किया गया। इस नुमाइश में पाकिस्तान समेत कई एशियन ममालिक की मशहूर पेंटिंग्स को पेश किया गया है। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नफीस जकरिया और सनम भुट्टो समेत लंदन और पाकिस्तान से आई हुई नामवर शख्सियात ने नुमाइश में शिरकत की। पाकिस्तान का कल्चर जो है बड़ा ही रिच कल्चर है और हमारे जो कल्चर हेरिटेज है उसको जितना ज़्यादा हम फरोग दे सकते हैं उतना ही कम होगा। रंगूनवाला फाउंडेशन के आसिफ रंगूनवाला ने कहा कि इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान की खूबसूरती को पेश करना है। हम डिपेंड कर रहे हैं क्रिस्टीज़ और बॉनम्स पर कि वो चूज़ करे कौन सा आर्टिस्ट अच्छा है। अरे भाई, जितना हम जानते हैं वो दूसरे तो नहीं जानते ना। उन्होंने कहा कि साउथ एशियन आर्ट्स में पाकिस्तान का अहम मकाम है। करो, वी आर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 20% दुनिया के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे रीजन में। अरे अब आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास आर्ट नहीं है। नुमाइश की क्यूरेटर और डायरेक्टर ने कहा कि वहाब जाफर की आर्ट्स के लिए बेपना खिदमात हैं और एशिया हाउस में नुमाइश उनके काम की तारीफ और आर्ट्स की प्रमोशन के लिए संजीदा कोशिश है। दिस इज फ्रॉम वहाब जाफर्स कलेक्शन। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट एंड मोस्ट season collectors from our country. We're very excited to show this lovely collection of work. It's a nice history of Pakistan and South Asia, and through the eyes of such an important guy, Wahab Jaffer. He's an artist himself and he's in a massive collector. Hamara art aur culture itna khoobsurat hai ki wo hame dekhna chahiye, aur phir humne dikhana hai ki artists sirf collectors nahi hote, collectors sirf artists nahi hote. Asia House mein yeh namaish ek hafte tak jari rahegi. Cameraman Nasir Ahmed ke sath Murtaza Ali Shah, Geo News, London.